गुजरात के अहमदाबाद शहर में पुलिस ने आगामी भारत पाकिस्तान क्रिकेट विश्व कप मैच के 50 नकली टिकट छापने और लोगों को 3 लाख रुपए में बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने 200 फर्जी टिकट तैयार किए थे। ये पता लगाया जा रहा है कि इनके गैंग में और कितने लोग शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारों आरोपियों में से 3 18 वर्ष के हैं, जबकि चौथा 21 वर्ष का है। भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप 2023 का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। अहमदाबाद शहर के अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त चैतन्य मांडलिक के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला कि आरोपियों ने पहले मैच का एक मूल टिकट खरीदा और फिर एक आरोपी की दुकान पर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उस मूल टिकट की स्कैन की गई कॉपी को संपादित करने के बाद लगभग 200 फर्जी टिकट प्रिंट किए। पुलिस उपायुक्त चैतन्य मांडलिक ने कहा, पुलिस ने सभी 200 टिकट बरामद कर ली है, जिनमें वे 50 टिकट भी शामिल हैं, जो युवकों ने सोशल मीडिया पर अपने संपर्कों का उपयोग करके बेचे थे। आरोपियों की पहचान जयमीन प्रजापति 18, ध्रुमिल ठाकुर 18, राजवीर ठाकुर 18 और कुशमीना 21 के रूप में हुई है। ये सभी अहमदाबाद अथवा गांधीनगर के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया है।